एमएमएस है, एमएमएस है, एमएमएस। अरे यार किसका एमएमएस है? तुम्हारे घर वाले का एमएमएस है? ऐसे चंद यूट्यूबर्स आपके आपके घर की बहन बेटियों के लिए भी कुछ ना ऐसा करें। आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए आप किसी आम लड़कियों का जीवन बर्बाद कर सकते हैं। मेरे लिए तो चलो कर दिया, कोई बात नहीं, मैं तो बहुत हिम्मत वाली हूँ, आपको अंदाजा भी नहीं होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, सांच को आज क्या। सी काफी टाइम से कुछ न्यूज वायरल किए जा रहे हैं, दैट सम एमएमएस इज देयर, जो कि मेरा है, और वो सारे यूट्यूबर्स मिलके इन लोगों ने यूट्यूब पे डाला है एंड ऑल। ये काफी टाइम से, चूंकि काम में बिजी रहती हूँ तो पता नहीं लग पाता है कि मतलब क्या दिन क्या रात। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पूरी रात हम लोग काम करते रहते हैं, सुबह सोने जाते हैं, सो पता नहीं लग पाता है कि बाहर क्या चल रहा है, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। बट अब जाके मुझे मालूम लगा कि बहुत सारे लिंक शेयर किए गए कि ऐसा ऐसा हो रहा है आपके नाम से। तो मैं जितने भी वो तमाम लोग हैं, जितने यूट्यूबर्स हैं, उनसे तो खैर फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं तो बहुत छोटा नाम हूँ, बहुत छोटी सी मैंने पहचान बनाई है। बट जितने बड़े बड़े लोग हैं उन लोगों को भी ये लोग नहीं छोड़ते हैं, तो मैं तो खैर अलग बात है। लेकिन आप लोगों के लिए प्रार्थना जरूर है कि आप सब जो चीजें वास्तविकता से दूर दूर तक उसका कोई लेना देना ना हो, जहां कुछ सच ना हो, उसको आप इस तरीके से समाज में फैलाएंगे, तो इससे सिर्फ मेरी मेरे लिए आप कुछ गलत और बुरा नहीं कर रहे हैं। ये आने वाले समय में आप अपनी माँ बहन बेटियों के लिए बुरा कर रहे हैं, क्योंकि वो जो कर्मा है ना, या आप जो करते हैं, जो परोसते हैं, वो आपके पास घूम कर आपके पास ही लौटता है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आप लोग के घर में ऐसा ना हो, आप लोगों की बेटी बहन माँ तक ये चीजें ना आए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कैसा फील होता है आप एक परिवार बन के सोचना, किसी के बारे भी कुछ भी लिख देना, कुछ भी कह देना। ये आपके लिए शायद बहुत इजी होगा, बिकॉज आपके लिए कमाने का जरिया है वो, आप यूट्यूब से चंद पैसे कमा सकते हैं किसी की इज्जत निलाम करके, बट अपने परिवार को उस जगह पे रख के जरूर सोचना। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरी इमेज आप धूमिल कर देंगे, मेरा मेरे इतने दिनों की मेहनत आप बर्बाद नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चीजें आप तक गलत ना हो जाए, इसके लिए प्रार्थना जरूर है। और मैं चाहती हूँ जितने भी तमाम मीडिया कर्मी लोग हैं, मीडिया वर्ग से जुड़े बंधु हैं मेरे, उन सभी लोगों के लिए भी मैं हाथ जोड़ के ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आप सब बिना वेरिफिकेशन के, बिना किसी चीज के जानकारी के, आप इतने बड़े न्यूज पोर्टल्स हैं, आप बिना आर्टिस्ट से बात किए कि क्या सच सच है, क्या गलत है, क्या ये सब आपके लिए बहुत इजी है कि आप उसको शेयर कर दें। लेकिन मैं तो इस बारे में भी कहूंगी कि कल को ये आपके घर में भी ना आ जाए। ऐसे चंद यूट्यूबर्स आपके आपके घर की बहन बेटियों के लिए भी कुछ ना ऐसा करें, नहीं तो बहुत भारी पड़ जाएगा। आई थिंक आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, बिना आर्टिस्ट के, कंसेंट के, बिना आर्टिस्ट के, वेरिफिकेशन आप पूछे बिना कि ये सच है कि नहीं है, एक तरफा देख के कुछ भी सोशल मीडिया पे डाल देना, अपने न्यूज पोर्टल्स पे डाल देना, इट इज वेरी बैड, वेरी बैड। मैं तो खैर मैं तो डरती नहीं भाई, मैं किसी से नहीं डरती, आई एम वेरी स्ट्रांग। पर समाज की उन लड़कियों के लिए सोचो जिनकी इज्जत पे बात आए, तो क्या से क्या हो सकता है, आप समझ रहे हो? ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है। आप किसी की इज्जत इस तरीके से धूमिल करेंगे, आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप न जाने उसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे।
जाने अनजाने में आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए आप किसी आम लड़कियों का जीवन बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि इट इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक फॉर एनी गर्ल। आप किसी के लिए भी कुछ भी डाल दे रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है, बिल्कुल शोभा नहीं देता है। मेरे लिए तो चलो कर दिया, कोई बात नहीं, मैं तो बहुत हिम्मत वाली हूं, आपको अंदाजा भी नहीं होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, सांच को आज क्या है ना। तो जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा, आगे भी सत्य ही रहेगा, बट आम लड़कियों के विषय में जरूर जरूर सोचिएगा। मैं क्या, मेरा छोड़ दीजिए, मेरे जैसी कई लड़कियां ऐसी हैं जिनके लिए आप ऐसा करते भी होंगे, तो न जाने उनके घर वालों पर क्या बीतती होगी, उनके करियर के लिए या जिस भी चीजों के लिए वो सोच रही होंगी उन पर क्या बीतती होगी, एक बार जरूर सोचना। बाकी सभी लोगों को नमन मेरा, तमाम जितने इस वक्त मुझे लोग देख रहे हैं उनके लिए भी, और जितने लोग हैं जिन्होंने चंद पैसे कमाने के लिए या पता नहीं क्या करने के लिए इन्होंने ये एमएमएस है एमएमएस है एमएमएस, अरे यार किसका एमएमएस है, तुम्हारे घर वाले का एमएमएस है। कुछ भी जो आप लोग डाल दे रहे हैं बिना किसी प्रूफ के, आप कुछ भी डाल दे रहे हैं, आम पब्लिक को क्यों बेवकूफ बना रहे हो यार, ये पब्लिक है, ये सब जानती है और बड़ी मासूम है, बहुत इमोशनल है। तो आम जनता को आप लोग इस तरीके के बेवकूफ हरकत से या बेवकूफी भरे कुछ भी न्यूज से आप गुमराह ना करें और उन्हें भ्रमित ना करें। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोगों को सद्बुद्धि मिले। गाइस, मैं आप लोग भी जितने लोग इस वक्त मुझसे जुड़े हैं, प्लीज ऐसे लोगों के लिए थोड़ी बुद्धि आए, या मानसिक रूप से बीमार लोग हैं इनको थोड़ी सी सद्बुद्धि आए, इसके लिए जरूर प्रार्थना करिएगा। आप भी करिए, मैं भी करती हूं। बाकी जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को मेरा प्रणाम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी राइट नाउ। अभिनव जी, पाभिनव, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है बॉस, पब्लिक पब्लिक बोल के अपना फायदा, नहीं 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 सॉरी, मैं बहुत अपने विचारधारा को ये सोच के कि मैं लोग क्या सोचेंगे, मैं उसको संकुचित नहीं बन सकती, मैं उसको दबा नहीं सकती, मैं जो सोचती हूँ वो मैं बोलती हूँ, किसी फायदे के लिए और ना किसी नुकसान के लिए नहीं सोचती नहीं मैं ये सब। थैंक यू वेरी मच राजन जी, थैंक यू शुभम पांडे जी, थैंक यू ईच एंड एवरीबॉडी। प्लीज समाज की लड़कियों के लिए, अपने माँ बहनों के लिए, हम सबों को सोचना चाहिए, सोचिए, बेशक मेरे लिए मत सोचिए, बट समाज की लड़कियों के लिए, आगे और लड़कियों के भविष्य के लिए जरूर सोचिएगा। आई लव यू ऑल। पूर्वांचल लाइफ की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइफ के साथ।